हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारे राइड का तीसरा दिन और आज है 2nd September 2024। एज़ ऑलवेज हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन नई शुरुआत होती है। सो आज भी हमारी एक नई शुरुआत है। हम जाएंगे डल लेक वोटिंग करने और उसके बाद वोटिंग करने के बाद हम वापस आएंगे अपने होटल में एंड हम वी विल पैक आवर बैग्स एंड देन वी विल लीव फॉर सोनमर्ग। सो सोनमर्ग यहाँ से कुछ 84 किलोमीटर दूर है और ज़्यादा दूर नहीं है, बट अब एक दिक्कत हो गई है मेरी ट्रिप में और वो है ये। पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है और अब पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा कि मतलब हम बोटिंग करने जाएं नहीं जाएं, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बादल हैं और ये बाइक भी थोड़ी बहुत गीली हो गई है। सुबह उठ के मैंने चेन को क्लीन कर दिया, ल्यूब कर दिया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:10। सो लेट्स सी, अब बारिश, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पे और बारिश बंद होगी तो फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स डल लेक टू डू द बोटिंग। हे गाइस, सो अपडेट ये है कि बारिश बंद हो गई है बट अभी भी क्लाउडी है, तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी बज रहे हैं 8:45 और अभी हम जाएंगे डल लेक बोटिंग करने और फिर वापस आके कपड़े बदलेंगे और फिर निकल जाएंगे टुवर्ड सोनमर्ग। बाइक मैंने वार्म अप कर दी है ऑलरेडी, बस हम लोग यही वेट कर रहे थे कि बारिश थोड़ी कम हो जाए तो एटलीस्ट हम जा सकें, नहीं तो लग रहा था कि आज प्लान जो डल लेक पर जाने का प्लान था वो चौपट होने वाला है। तो बस यही अपडेट है, अभी चलते हैं आगे। हवा सुबह चेक कर ली थी, टायर प्रेशर ठीक है। स्क्रीन पे लग चुका है डल लेक का मैप, यहाँ से दिखा रहा है 12 किलोमीटर। लेट्स गो। अभी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से सीधा जाना है कहाँ जाना है। अच्छा यही है रोड, यही है। मौसम हो रहा है ठंडा और जैकेट के सारे वेंट सब बंद कर दिए हैं और थोड़ा बहुत है कीचड़ यहाँ पे, बस ये कीचड़ हमें जूतों पे न लग जाए। ओहो, यहाँ से लेना राइट टर्न और पूरा सामने माउंटेन है, पूरा देखो पूरा बादल ढका हुआ है। हाँ, अब जाके मैं थोड़ा ध्यान से देख रहा हूँ श्रीनगर की सिटी को, क्योंकि पिछली बार तो ये हुआ था कि जल्दीबाजी में जाके मतलब हम लोग बस निकल ही गए थे, देखा ध्यान से कुछ भी नहीं। तो क्योंकि आज इस बार हम रुके हैं तो थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं लेफ्ट राइट सिटी में क्या है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना कि आप टूर वूर कर रहे हो तो जल्दी में जब होते हो जब आपको डिस्टेंस कवर करना होता है तो आप कुछ जल्दीबाजी में कुछ देख नहीं पाते। तो आज हम बिल्कुल रिलैक्स आइटनरी रखा है हमने, सोनमर्ग जाएंगे बस, इसके बाद तो ज़्यादा दूर नहीं, सोनमर्ग यहाँ से 3-4 घंटे की राइड है बस, दैट्स इट। ये है श्रीनगर के नज़ारे, आगे पहाड़, इतने सुंदर पहाड़ है बिल्कुल एकदम बादलों से ढके हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब कैमरा पता नहीं कितना है, रिकॉर्ड हो रहा होगा बट मैं चाहता हूँ ये दिखाना एक बार, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ना बिल्कुल सड़क एकदम चमक रही, गीली हो रखी है सड़क, तो मैं अभी बहुत आराम चला रहा हूँ, कहीं पता लगे बाइक फिसल जाए। और यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, ये है डल लेक, बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ की जो इस रोड की ड्राइव है यार मज़ा ही आ गया। ओहो, ठंडा मौसम और लेक के नज़ारे, आई थिंक ये बोटिंग करवाएंगे क्या है पता नहीं है, बोटिंग हमें बोटिंग करनी है, बोटिंग वाले मिल नहीं रहे कोई भी, ये है क्या। हमने यहाँ पर बाइक पार्किंग करती है डल लेक वहाँ पर है और अभी पता करते हैं बोटिंग वोटिंग का क्या हिसाब है यहाँ पर। कर रहे हैं और डल लेक का व्यू देखिए आप, वो देखो वहाँ पर पूरे क्लाउड कवर्ड माउंटेन्स और अभी धूप निकल गई, फाइनली बारिश बंद हो गई है और हम लोग थोड़ा बहुत कावा पी रहे हैं, कश्मीरी कावा, टेस्टी तो है बट बहुत ज़्यादा मीठा है। और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली,
محفل دل ساختگان ماه تابان خوش آمدی. Hey guys, हम लोगों ने बोटिंग वोटिंग कर ली है, अभी हम बस अपने होटल वापस जा रहे हैं और लोड सामान पैक वैक करके रेडी होकर निकल जाएंगे टुवर्ड्स सोनबर्ग। सो ये फिलहाल का अपडेट है। बोटिंग में मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा लगा। एक डेढ़ घंटे की बोटिंग करी थी हमने, डल लेक देख लिया, हाउस बोट भी देख ली, सब देख लिया हमने। तो हम निकलते हैं टुवर्ड्स सोनबर्ग। बस अब हम जर्नी बिगिन कर रहे हैं। ट्रिप ए को मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ। अब हम ट्रिप ज़ीरो करने वाले हैं ट्रिप ए को, और ट्रिप भी हमने अभी तक टोटल किलोमीटर्स कर लिए हैं दिल्ली से 895.9। टैंक फुल करवा ली थी मैंने जब हम वापस आए थे डल लेक से। सो लेट्स गो, चलें, लेट्स गो। ओके, सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल मिल गया, चलो हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स सोनबर्ग। और कुछ 32 किलोमीटर्स कर लिए हमने और एकदम बढ़िया सीन्स। और अभी आई थिंक बचे हैं कुछ अराउंड 50 किलोमीटर और होंगे। भाई साहब क्या नज़ारे हैं देखो, ओहो हो, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग सीनरी। और सामने दिख रहे हैं पूरे बादल वाले पहाड़, बादल हैं ऊपर पहाड़ों के ऊपर, पता नहीं आगे बारिश है कि नहीं, बट लेट्स सी। धीरे धीरे चल रहे हैं अभी तो। अब यहाँ से सोनमर्ग रहेगा कुछ 40 किलोमीटर और। मज़ा आ रहा है, क्या राइड है सोनमर्ग की, वेरी ब्यूटीफुल। हर बार मैं वेरी ब्यूटीफुल ही बोलता हूँ, बस कोई जवाब नहीं इस ब्यूटी का। मेरी वाइफ भी इंजॉय कर रही है बहुत ये जगह। और ये देखो क्या लैंडस्केप है, वाओ, अमेजिंग लैंडस्केप। सो अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक लिया था, पानी का ब्रेक और चिप्स खाए थोड़े से। तो सोनमर्ग यहाँ से कुछ 26 किलोमीटर रह गया है और नज़ारे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, वर्ल्ड क्लास हैं। वहाँ पहुँचेंगे, होटल ढूंढना पड़ेगा, बस वहाँ पर बुकिंग नहीं है आज हमारी। लेह में तो ऑलरेडी मैंने बुकिंग कर रखी है, हाइनेस को भी थोड़ा रुक के ठंडा कर दिया। ऑल तो गर्म नहीं हो रही थी, बट स्टिल आप बेटर है कि आप इसको रिलैक्स रखो बाइक को, क्योंकि पावर कम है और मतलब खींचना ज़्यादा पड़ता है। क्या बारिश स्टार्ट हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा कि हम रेन गियर पहने ना पहने। यहाँ से सोन में कुछ 19 किलोमीटर अभी, और यार वेदर ख़राब हो गया, चलो पहन लेते हैं। सो हे गाइस, वंस अगेन आई एम बैक। सो आज क्या हुआ है कि मतलब अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जब हम लोग श्रीनगर से कुछ 40 किलोमीटर आ चुके थे या 40-50 किलोमीटर से ऊपर हो गए थे टुवर्ड्स सोनमर्ग, तो बारिश शुरू हो गई। पहले लगा कि हल्की बारिश है, फिर लगा कि चलो ठीक है रुक जाते हैं, फिर रेन गियर पहने हमने और ऊपर का ही पहना, लोअर तो पहना ही नहीं। तो फिर उसके आगे जाके मतलब जब जितना सोनमर्ग आई थिंक 15-20 किलोमीटर बचा हुआ था, तब और तेज़ बारिश हो गई। तो ना हमने कोई फ़ोटो खींची, ना हमने कोई वीडियो बनाई, ना कोई व्लॉगिंग हुआ, कुछ नहीं। अब सीधा होटल में रुके हैं, और इस होटल का नाम है होटल बर्जमन। इसमें मैं 2022 में रुका था और ये होटल बढ़िया है, और इनफैक्ट आज ये होटल मुझे दिखा के थोड़ा सा खाली भी है, तो हमें मतलब रूम आराम से मिल गया, हमने हमारी चॉइस हो गई थी आराम से। सो अब मैं आपको रूम दिखाने वाला हूँ। ये हमारा रूम है, ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये बेड है, ये तीसरा बेड है जिस पर हमने सामान फेंक दिया पूरा। यहाँ पर विंडो है, विंडो से इतना व्यू कुछ खास नहीं है बट ठीक है, हमें फर्स्ट फ्लोर पर मिला है ये रूम। और ये है वॉशरूम, बेस्ट पार्ट है वॉशरूम एकदम क्लीन है, तो कोई इशू नहीं है। और अभी बस इनफैक्ट यहाँ पर आप वॉशरूम में देख रहे होंगे कि गीज़र नहीं, बट एक्चुअल में गीज़र है, तो वो गर्म पानी अभी 10 मिनट में आ जाएगा। तो गाइज ये है सोनमर्ग, और देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये खड़ी हाइनेस बारिश मिलती हुई। अब भाई हम बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये है इवनिंग सीन सोनमर्ग पे, खूब ज़बरदस्त बारिश हुई है, 1-1.5-2 घंटे बारिश हुई है। और अभी शाम का सीन है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है। बस होप करते हैं कल बारिश ना हो और हम आराम से निकल जाएँ टुवर्ड्स ले।